रिटायर हो गए तो घर जाके बैठ जाओ आराम से, 40 साल सेवा करी मोदी जी, ऐसी सेवा आप भी कर लो। आप तो ये एरोप्लेन में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, आलीशान बंगले में रह रहे हो, कितना कितना एक टाइम का आपका नाश्ते का खर्चा है, उतना टोटल मिला के अगर हमारे को एक महीने की सैलरी भी दे दो तो हम आपके साथ है। ये तो दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये एक अघोषित इमरजेंसी है जो आज दिल्ली से लेकर पूरे देश में लागू है। अपने संघर्षों की ताकत के बलबूते आज की एक मजदूर वर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, मजदूर वर्ग जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने वाला एक हिस्सा, आशा कर्मी आंगनबाड़ी कर्मी बन चुके हैं। आपको गुलामों की तरह रखा जाता है, आपको गुलामों की तरह रखा जाता है और सेवा के नाम पर आपको आपके साथ गुलामों का बर्ताव किया जाता है। कोरोना में आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस देश को बचाने में, इस देश की जनता को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आप लोगों को जैसे बलि के बकरे को, बलि का बकरा जो होता है उसको हार पहना दिया जाता है, मुंह पे फूल बरसाए जाते हैं और उसकी बलि दे दी जाती है, ठीक वही बर्ताव मोदी सरकार ने आप लोगों के साथ किया है। वो फूल बरसाए लेकिन 50 लाख नहीं दिया जिसका वादा किया था, वो 10 लाख स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जिसका वादा किया था। विरोध करने की हर आवाज को कुचला जा रहा है, ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये असल में हमारी आवाज को कुचलने का तरीका है। कंप्लेन सुनने वाला कोई होना चाहिए, हमारी आशा कोऑर्डिनेटर जो है उनसे अगर हम बात करो वो भी हमारी नहीं सुनती, वो भी कहती है अपनी एनएम से, पीएचएम से या डॉक्टर से बात कीजिए। जब वो सारे ये घर के हैं और हम बेघर हैं तो हम अपनी फरियाद सुनाने के लिए मोदी जी कहाँ जाएंगे? मोदी जी जागो, आशाओं की बात भी सुनो, आशाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। हमें भी रिटायर होने के बाद आज हम 60+ हो जाएंगे, हम घर बैठ जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या होगा? हमें भी तो कुछ तो चाहिए पीएफ वगैरह। रिटायर हो गए तो घर जाके बैठ जाओ आराम से, 40 साल सेवा करी मोदी जी, ऐसी सेवा आप भी कर लो। आप तो ये एरोप्लेन में पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने जा रहे हो, आलीशान बंगले में रह रहे हो, कितना कितना एक टाइम का आपका नाश्ते का खर्चा है, उतना टोटल मिला के अगर हमारे को एक महीने की सैलरी भी दे दो तो हम आपके साथ है। हमारे बीच में AICCTU के राष्ट्रीय महासचिव हैं राजीव जिंद्री जी, जो आशाओं के आज इस प्रदर्शन को अपनी सॉलिडारिटी देने आए हैं, तो मैं कहूंगी कि वो भी दो शब्द यहाँ पर आकर के अपनी बात रखें। इस प्रदर्शन में एकत्रित तमाम आशा कर्मियों को मैं AICCTU की तरफ से अपना समर्थन देना आया हूँ और आपको मैं क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। आज जैसा आप जानते हैं पूरे देश भर में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम स्कीम वर्कर्स की, जिसमें आशा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, कई किस्म के और स्कीम वर्कर्स हैं अलग अलग राज्यों में, वो आज एक दिन की हड़ताल पर है। पूरे देश भर में हड़ताल चल रही है, पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं। ये जो यहाँ हमें रोका गया, मार्च नहीं निकालने दी गई, ये जो दिल्ली पुलिस द्वारा इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये एक अघोषित इमरजेंसी है जो आज दिल्ली से लेकर पूरे देश में लागू है, लेकिन इस अघोषित इमरजेंसी को धत्ता बताते हुए आज आशा बहने, आंगनबाड़ी कर्मी, मिड डे मील कर्मी पूरे देश भर में हड़ताल कर रही है, पीएचसीज में, ब्लॉक्स में और अपने जिलों और राज्य मुख्यालयों पर जोरदार प्रदर्शन चला रही है। जैसे कि श्वेता जी ने बोला, ऐसे वीडियोस हमारे मोबाइल में भी आए हैं। साथियों, आज जहां पूरे देश भर में स्कीम कर्मी हड़ताल पर हैं, आपको मालूम होगा कि आज से दो दिन बाद 27 सितंबर को भारत बंद होने जा रहा है, जिसमें इस देश के तमाम उत्पीड़ित मेहनतकश तबके शिरकत करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, इसमें मजदूर उतरेंगे, किसान उतरेंगे, महिलाएं उतरेंगी, युवा और छात्र उतरेंगे, देश का हर तबका 27 सितंबर के भारत बंद में उतरेगा। ये लड़ाई केवल कुछ एक हिस्से की लड़ाई नहीं है, आज इस देश की समस्त मेहनतकश जनता मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों के चलते मार झेल रही है, उसके चलते तबाह है पूरा देश, देश का एक एक हिस्सा, एक एक तबका आज तबाह हो रखा है मोदी सरकार की नीतियों के चलते।
तो साथियों, इस 27 सितंबर के बंद में भी हमें अपनी जो भूमिका हम निभा सकते हैं हमें निभाना है। आज आशा कर्मी, स्कीम कर्मी आज देश की एक न केवल संख्या के बतौर आज 1 करोड़ 1.5 करोड़ की तादाद में स्कीम कर्मी है। आशा कर्मी भी 20-25 लाख की तादाद में है। न केवल अपनी ताकत अपनी तादाद के चलते बल्कि अपने संघर्षों की ताकत के बलबूते आज की एक मजदूर वर्ग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, मजदूर वर्ग जो आंदोलन है उसको आगे बढ़ाने वाला एक हिस्सा आशा कर्मी आंगनबाड़ी कर्मी बन चुके हैं और एक बहुत बड़ी भूमिका इस देश के मजदूर वर्ग आंदोलन को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं। तो आपकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, आपकी हौसले, आपकी हिम्मत, आपके संघर्ष ये मजदूर वर्ग आंदोलन को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत दे रहे हैं। ये हड़ताल जो आप कर रहे हैं ये आखिर क्यों कर रहे हैं? ये हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको गुलामों की तरह रखा जाता है, आपको गुलामों की तरह रखा जाता है और सेवा के नाम पर आपको आपके साथ गुलामों का बर्ताव किया जाता है। कोरोना में आप लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस देश को बचाने में, इस देश की जनता को बचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आप लोगों को जैसे बलि का बकरा जो होता है उसको हार पहना दिया जाता है, भूमि पे फूल बरसाए जाते हैं और उसकी बलि दे दी जाती है, ठीक वही बर्ताव मोदी सरकार ने आप लोगों के साथ किया है। वो फूल बरसाए लेकिन 50 लाख नहीं दिया जिसका वादा किया था, वो 10 लाख स्वास्थ्य बीमा नहीं दिया जिसका वादा किया था। उन सब वादों से वो सरकार पीछे हट गई। यही हम देखते हैं कि केजरीवाल सरकार का भी रवैया आप लोगों के प्रति है। असल में कहा जाए तो आप लोगों का जो पूरी व्यवस्था है, जो एनआरएचएम है, जो आंगनवाड़ी है, उसको ये सरकार धीरे धीरे खत्म करने की ओर ले जा रही है, उसका निजीकरण कर रही है, बजट में उसकी लगातार उसका जो आवंटन है उसको कम करती जा रही है। और निजीकरण का मतलब है कि जो कुछ नौकरी आपके पास है वो नौकरी भी आप लोगों के हाथ में चली जाएगी। ये सारा आशा आंगनबाड़ी सारा एनजीओ को दे दिया जाएगा, मिड डे मील एनजीओ को दे दिया जाएगा, कुछ बड़ी निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा। तो आप लोग की जो हालत है और भी बदतर होने जा रही है अगर हम लोग इन सरकार की नीतियों को, इन विनाशकारी नीतियों को अपने संघर्षों के जरिए नहीं रोकेंगे। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि आज पूरा देश का मजदूर वर्ग, किसान, आप जानते हैं 27 सितंबर को जो मुद्दे हैं बंद के वो क्या है? वो तो 3 कृषि कानून जिनको आप जानते हैं कि 9 महीने से किसान लड़ रहे हैं उन कानूनों की वापसी, 4 श्रम कोड हैं, लेबर कानून ऐसे बनाए हैं जिनसे कि मजदूरों को पूरी तरह से गुलामी की स्थिति में डाल दिया जाएगा, उनके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि विरोध करने की हर आवाज को कुचला जा रहा है। ये जो आज हमारे साथ हो रहा है ये असल में हमारी आवाज को कुचलने का तरीका है जो हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर 27 सितंबर का बंद हो रहा है और आशा कर्मी मजदूर वर्ग का हर एक हिस्सा तभी अपनी लड़ाई को आगे बढ़ा सकता है जब पूरे मजदूर वर्ग आंदोलन को हम और शक्तिशाली करें, मजबूत करें। संघर्ष एकमात्र हमारा रास्ता है, संघर्ष ही हमारा जीवन है, इसलिए हम अपने संघर्ष को लगातार आगे बढ़ाते रहें और भी मजबूती के साथ इस सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ खड़े हों, इनका प्रतिरोध करें और इन नीतियों को उखाड़ फेंकने तक की लड़ाई हम लड़ें। धन्यवाद साथियों, इनकलाब जिंदाबाद, आशा कर्मियों का संघर्ष जिंदाबाद। धन्यवाद राजीव जी। हमारी और भी कई आशा बहने हैं अलग अलग डिस्पेंसरीज है, मुझे लगता है कि भाटी माइंस की हमारी किसी आशा बहन ने बात नहीं रखी है, तो भाटी माइंस की हमारी कोई आशा बहन आए इधर बात रखे। संगम विहार से आइए आइए, मैं गांव गई थी अपनी बेटी की शादी में, तो मैं आशा वर्करों मैं गांव गई थी अपनी बेटी की शादी में, तो मैडम ने मेरे को एप्लीकेशन लिखवाने की, एप्लीकेशन लिख के लाओ, मैंने एप्लीकेशन लिख दी, काम सारा करा, उसके बाद में बोला तुम्हारा वाउचर नहीं बनेगा, मेरी रिपोर्ट गई है 0। फिर दोबारा दूसरा भैया, पहले भैया गई थी तो लॉकडाउन हुआ तो मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, दोबारा गई कहते 15 जुलाई की, तो उसमें शादी करने गई, उसमें भी 0%, 2 महीने की शादी मार दी थी, एक दिन की छुट्टी नहीं देते, कोई आशा की जिंदगी है
बेकार है, 0% है। जब काम नहीं करती है तो 0% सैलरी मिलती है, काम करो तो पैसा, नहीं तो बस जाओ। हर महीने 3000 भी नहीं मिला, 0%।